जतिन और दिनेश ठाकुर का इस रैकेट में बहुत बड़ा हाथ है। उनकी वजह से तो मेरा पुलिस पर से विश्वास ही उठ गया। बट आई हैड नो चॉइस। मैंने कंट्रोल रूम फोन किया और जिया की किडनैपिंग की खबर उन तक पहुंचाई। वो तो पेट्रोल पंप पर आप मिल गए, तभी लगा कि होप इज नॉट लॉस्ट। लेकिन यहां तो कोई भरोसा ही। लेकिन तुझे लगा कि मैं भी धोखा ना दूं? हैं? देख भाई, दिनेश ठाकुर है मेरा सीनियर, उस पर इल्जाम लगाने के लिए मुझे सबूत चाहिए और तुझे इल्जाम से बचाने के लिए। सबूत है सर, वो सीसीटीवी फुटेज। उन्होंने आपको जानबूझकर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई, लेकिन मैंने देखी है सर। उनके पास एक पेन ड्राइव पर है। सर जी, या पेन ड्राइव में हम अपनी मौत का सामान लेके चल रहे हैं, सारी फुटेज यही पे है। बहुत बड़ा गेम है सर। कौन, कहां और कैसे किसका एनकाउंटर हो जाए कोई नहीं कह सकता। चल भाई भाग। मैं कह रहा हूं भाग। सुनो सुनो सुनो, क्या किया तुमने इसके साथ? सोना, ये बॉल क्या ले रही है? बैरो बैरो, शांत शांत, अपने अंदर के जानवर को शांत रखा कर। हाँ शांत। सोना शॉकिंग। अरे घबराओ मत, मरी नहीं है, जिंदा है। अरे वैसे भी रिक्की अपने किसी काम में कमी आने नहीं देता, सिर्फ थोड़ा डराया है, थोड़ा भगाया है और कुछ नहीं किया। आफ्टर ऑल इट्स माय बिजनेस, मुझे ख्याल रखना पड़ता है इन सबका। अरे जिया, वैसे भी आई एम अ सिंगल वुमन मैन। बात है बॉस, क्या बात है। अरे बॉस हो तो आप जैसा ही हो बस भाई। कोहिनूर की पहचान तो असली आप ही को है। अरे ये उसी मजनू की लैला है ना। प्रॉफिट है बॉस, प्रॉफिट। थोड़ा सा प्रॉफिट हमें मिल जाता तो। सहरबाग से लड़कियां उठानी थी, क्या हुआ उसका? अरे बॉस टेंशन मत करो। अरे मेरे इलाके से कभी भी कहीं से भी कोई भी चीज आप उठा सकते हो, बस ये तिजोरी भरती रहनी चाहिए बस। अच्छा बस, मैं एक आइडिया दे रहा था आपको। ये जो आप इस शहर से उस शहर लड़कियों के लिए भटकते रहते हो, अरे हमारे प्रदेश में अपना अड्डा बना लो और मेरे इलाके में अपना हेड ऑफिस। फिर देखो कड़क 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 घोड़े की तरह पीछे दौड़ेगा आपका। हाँ जी बिल्कुल ठीक कही सर जी। फिर तो आप बॉस के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो। हाँ ये भी देख रहा है, इसे सोना है ये। पिछले 3 महीने से इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने फ्रेंड बुक पे, फिर दूसरे तीसरे महीने एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर। मेहनत लगती है, फॉलो अप्स करने पड़ते हैं, पेशेंस चाहिए है, दिमाग। लगभग हर स्टेट में ना तुम्हारे जैसे निकम्मे मैंने पाले हुए हैं, इसलिए एक भी पुलिस स्टेशन में मेरी रिपोर्ट नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। और मुझे ना अपने क्लाइंट्स को हर बार नए गुलाब देने पड़ते हैं, यही USP है मेरे बिजनेस की। पार्टनरशिप की बात मत करना आगे, शहर भाग जाओ, प्लान करो, चलो।
चलो चलो चलो। लोगों की दोस्ती और विश्वास का ना फायदा उठाते हो तुम। अरे अरे बेबी, रिसर्च है, रिसर्च मेरे बिजनेस में इसको रिसर्च बोलते हैं। इन इस बार ना फ्रेंड बुक ने मेरी जान ले ली। इश्क हो गया तुझसे। तुम जैसे आदमी ना लड़की का प्यार नहीं पा सकते, सिर्फ नफरत पा सकते। अरे उसकी चिंता मत कर तू, रिक्की पैदा ही हुआ है जीतने के लिए। मेरी ना नस नस में है जीतना। एक मिनट बॉस। हेलो, हाँ बोल संजय सिंह। सर सिद्धार्थ गोयनका मिल गया है। और मैंने उसका सर अभी, और कुछ भी नहीं, बस दबोच के रख उसे। आ रहा है शेर शिकार करने के लिए। शेर कौन है? सर आप। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना। और ऐसा ही पहचानता रहेगा ना, तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। अब जल्दी से उसका पता SMS कर, लोकेशन का। जी सर। बॉस, नजनू की लोकेशन ट्रेस हो गई है। मका सर जी, वो पकड़ा गया है तो इनके मजनू का क्या करेंगे? सिद को छोड़ दो। You can't kill him. Can't. बॉस, मजनू की लोकेशन का मैसेज आ गया। थोड़ा आराम से करना, ठीक है? और सुनो, उसे बोल देना कि जिया हमारे साथ मजे में है। कह देंगे जी, मजे में है। राइट। भैरव, शहर भाग चलने की तैयारी करो। तो आपको पहले ही फोन पर बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपना काम कर दिया। पर सर जी बहुत भला बुरा कह रहा था आपके बारे में। कह रहा था कि आप ये बहुत बड़ा रैकेट चलाओ, लड़कियों की तस्करी करो, पता नहीं क्या क्या। मालूम है साहब, जब पता चल गई शेर की खाल में चमगादड़ कौन है, इसलिए सर मैंने इसका एनकाउंटर कर दिया। ठीक करा ना साहब? सब बहुत बढ़िया। आज तूने जतिन ठाकुर के जूनियर होने की ट्रॉफी कमा ली। अब एक काम कर, बढ़िया सा केस बना टेररिस्ट एनकाउंटर का। जी सर। और उसमें लिख टेररिस्ट पोस्ट डेथ। वाह साहब वाह, क्या अंग्रेजी बोली है? देखा है साहब, तो अंग्रेजों के भी बाप निकले। रहने दे, ईगो आ जाएगी मेरे अंदर। कोई बॉयफ्रेंड है? था ना, फिर छोड़ दिया। जिया, जिया, I'm sorry जिया। सिंह मर गया। मर गया।
सिड को कुछ नहीं हुआ है, अभी तो उसे बहुत कुछ देखना है, उसे अपने गेमिंग की प्रोफेशन में आगे जाना है। We haven't even lived once, Sona. ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सिड ना हमें ढूंढ रहा होगा। हाँ, हमें भी उसके पास पहुंचना है। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। जिया, यू आर इनसेन, तुम पागल हो। नो, आई एम इन लव। अच्छा, पूछे कि नहीं कौन है? नहीं, मुझे पता। अच्छा, कौन? एक लड़का है, उसका नाम है सिद्धार्थ गोयनका, है ना? स्मार्ट। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें ऐसे काउंटडाउन करके क्यों बुलाया? हाँ, क्योंकि तुम बिल्कुल पागल हो। ये क्या है? हैंडमेड है, बहुत मेहनत से बनाई है। ये क्या हैंडीक्राफ्ट बना के आ गई तुम? सिड गोयनका, क्या तुम मुझे प्रपोज करोगे? प्रपोज? प्रपोजल के चक्कर में इतना भगाया तुमने मुझे? सिड, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तुम्हें बोलना चाहिए विल यू मैरी मी, और तुम ये सब। अरे तुम बोल दूंगा, लेकिन हमेशा तुम्हारे हिसाब से थोड़ी। जब मैं प्रपोज करूंगा ना, तुम्हें हमेशा याद रहेगा, पता है? जिस दिन तुम मुझे प्रपोज करोगे और मुझे पसंद नहीं आया ना, इवन आई विल रिजेक्ट इट। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही। ले भाई, मैसेज आ लिया, पेमेंट डबल हो गई है। साहब जी, आजकल लौंडा ना मोटरसाइकिल की बड़ी जिद कर रहा है। भी मत करना। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? नहीं है हमारे पास। कहाँ है? अरे खोल दा गद्दार! इतना तेरी कंप्लेंट कर दूंगा इस क्रिमिनल का साथ देने के जुर्म में। अरे जिंदगी भर सड़क पर भीख मांगेगा तू। सर जी, डिपार्टमेंट से लिकड़वाने के लिए ना डिपार्टमेंट में होना जरूरी है, और इस सबूत के बाद ना तो ये वर्दी रहेगी ना पावर। और हाँ, सड़क पे था ना, पर जेल में जरूर चक्की पीसोगे तुम। गद्दार! जिया का तो कोई भी नहीं है। ऐ साला भाग गया। अरे मेरी पेमेंट दिए बेटा भाग गया। अरे चीटिंग करी है जतिन ठाकुर के साथ उसने। सच बताओ कहाँ है वो? अरे भाई तुम्हारे पास बंदूक है, मेरे पास तो हथकड़ी है, अब भी मैं झूठ बोलूंगा? अरे तुम्हारी तो खाली जिया गई है, यहाँ तो 10 लाख रुपए चले गए, वो भी कैश। मुझे तो केवल इतना पता है कि वो यूं कह रहा था कि चार बाग से 2 लड़कियों को उठाना और फिर दिल्ली।
यहाँ से शहरबाग के रास्ते में एक बड़ा चेक पोस्ट आता है और वो उसे किसी भी हालत में क्रॉस करना ही पड़ेगा। बस उस चेक पोस्ट को अलर्ट करना हमें। अब वर्दी पहनी है तो उतरने के पहले एक नेक काम करके जा, वायरलेस कर चेक पोस्ट पे। ओवर एंड आउट। हाँ भाई 20 मिनट हो गए। दो ट्रक तो गुजरे थे साहब, लेकिन पेपर पक्के थे और नंबर भी अलग थे उनके। जरा ध्यान रखना, दरोगा जतिन खाड़कू का कोई खास लगता है, अगर निकल गया ना तो नौकरी कहीं समझो। अरे उनकी नौकरी तो वैसे भी पूरे कांडों पर ही बरसी हुई है साहब। कौन है साहब? हमारे घर वाली है साहब, अब डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। शटर खोलो, शटर आओ जल्दी। पेपर तो ओके हैं साहब। चलो बंद करो साहब। किस गांव के हो साहब? गूंगा है साहब, हरियाणा से। बीवी को डॉक्टर पे ले जा रहा हूँ ना साहब, आप चाहें तो रपट दिखा देंगे साहब वापस आते हुए। साहब जाने दो, चलो। भाई बढ़ाओ बढ़ाओ। नंबर प्लेट बदलने का फॉर्मूला हमेशा से पुराना है, लेकिन हमें हमेशा काम आया है। जी हाँ, यू आर सो लकी फॉर मी। सर जी, ऐसे तो कोई ट्रक चेक पोस्ट पर आई नहीं। अभी तक चेक पोस्ट को क्रॉस नहीं किया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शहरबाग जाने के लिए तो एक ही रास्ता है। एक मिनट, अपना फोन निकाल। क्या हुआ? रिकी तुझे पैसे दिए बिना भाग गया था ना, अब तू उससे अपनी कमाई मांगेगा। और आप, क्या आप इस फोन कॉल से रिकी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं? हाँ बोल। अरे सर जी, प्यासे को पानी पिलाने का वादा करके कुएं ही लेके उड़ गए। ठाकुर साहब बड़ी मनमानी कर रहे हो। अरे आपसे कौन मनमानी कर सकता है जी। धोखेबाज, नाके पे चेकिंग के ऑर्डर दिल्ली से लेके यूपी तक तेरे अंडर आते हैं, समझा? मनमानी हम नहीं कर रहे बेटा, तुम कर रहे हो। और सुन, हमें चाहिए थी जिया, जो अब है हमारे पास, इसलिए टाटा बाय बाय तुमको। सही है, कभी कभी खूटी भी हार निकल जावे। लोकेशन ट्रैक हो गई है। पानी से खेलने का टाइम है तेरे पास,
गाड़ी में पानी भरने का टाइम नहीं है। क्या हो गया तुझे भैरव? पानी भर क्या? रुक, बस यूं गया और यूं आया। अंदर बैठ। हमारी हिम्मत और ताकत से ना पूरी दुनिया डरती है। थोड़ी हिम्मत और कर ले, चल उठ। जिया, तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी जिद। मुझे अगर किसी चीज की जिद लग जाए ना, तो ये पूरी कायनात भी मुझे उससे जुदा नहीं कर सकती। अब देखो कैसे तुम मुझे अभी एक महीने पहले मिली और आज हम साथ में हैं। स्टार्ट कर। भैरव,
सॉरी जिया, तू मेरी वजह से तेज भाग भी नहीं पा रही है। बहुत भाग ली जिंदगी से सोना, कभी किसी प्रॉब्लम को ठंडे दिमाग से सोचा ही नहीं, सिटके भी नहीं सुनी, बस भागती गई। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि जीत भागने से नहीं बल्कि रुककर सामना करने से होती है। अब कभी नहीं भागूंगी। You're right, Jia. मैं भी इस बार घर जाके वापस निकल जाऊंगी, इस बार हिमालयस की ट्रैकिंग पे। मैं स्पा चली जाऊंगी, ये सब टेंशन से दूर, और सिट को भी। जिया, सिट को कुछ नहीं हुआ, अगर तुम आज सही सलामत हो तो नाउ आई नो एंड आई बिलीव इन गॉड कि उसे भी कुछ नहीं हुआ होगा। या छुपन छुपाई बंद करो। जिया! 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 ओ जिया, ढूंढे तेरा पिया। ओ जिया, सोना बीबी, सोना बच्चा, आपकी तबीयत खराब है। ये एक्सप्लोड एरिया है, हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, हाँ। We'll be right back.
जिया तू जा, मैं इसे देख लूंगी। You just go. अच्छा चलो, अवार्ड जीतने की बारी आई तो जा, अब इस गेम को साथ ही जीतेंगे। Let's win together. अरे इस गेम का कोई फायदा नहीं है। जिया, अरे मैं चैंपियन था छुपन छुपाई का, आज तक मुझसे कोई बचा नहीं है। जिया, वचन नहीं तुमने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण हो। We'll be right back.
नहीं। गेमर, समझ नहीं आता तेरे को, मरना तेरे को है। Game over. Thank you, Sid. I'm sorry, Sid. Come, let's go. तुमने जो किया है सिद्धार्थ, वो बहुत चैलेंजिंग था, और मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसे लोग क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन बने हो। कीप इट अप। थैंक यू सर। और मेरी आपके लिए एक सलाह है, हो सकता है तुम्हें पसंद आए। सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल एक लिमिट तक अच्छा है। और हाँ सिद्धार्थ, डिपार्टमेंट के कुछ गलत लोगों के कारण यू कैन नॉट ब्लेम द होल सिस्टम। टेक केयर। एब्सोल्युटली। अब भी यूएस जाना? नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के जुर्म में रिकी को द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दिनेश और इंस्पेक्टर जतिन को किडनैपिंग में रिकी का साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 164A और 166A के तहत 7 साल कैद और सिड को जान से मारने की साजिश रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। सावधान इंडिया सैल्यूट करता है सिड की समझदारी और उसके हौसले, जिसकी वजह से इतना बड़ा गिरोह पुलिस के चंगुल में आ फंसा। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।